तेजस्विनावधी तमस्तु माँ विद्वेषावह ओम यशतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा यमृतम गमय। हे माँ मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, हे माँ मुझे अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चलो मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे माँ मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। कपालभाति का स्ट्रोक लगातार चलता रहे, मन वहीं पे टिका है, सांसों पे ध्यान लगा हो और सांस जब बाहर निकले तो मैं विकारों से मुक्त हो रहा हूँ। हम जीवन में प्रतिपल एक एक सेकंड में विकारों को धारण करते हैं। प्रभु जी इन प्राणों में वरणीय तेज भर दो। हे प्रभु मेरे इस प्राणों में ऐसा वरणीय तेज भर दो, ऐसा ओजमय तेज भर दो कि मैं इसे वरण कर सकूं, इसे मैं धारण कर सकूं और धारण करके जो प्रकृति में आंख बंद मन शांत अनुभव करना है आपको। चौथा दिन है, चौथे दिन में प्राणायाम का आनंद मिलना शुरू हो जाना चाहिए। भाव विभोर हो जाते हैं परमात्मा के प्रति, उस ओंकार के प्रति, उस निरंकार परम ब्रह्म के प्रति, उस शाश्वत और नित्य अजन्मा निर्विकार निर्बीज समाधि की तरफ बढ़ते जाते हैं। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की समस्याएं न रह जाए, निर्बीज समाधि उसे कहते हैं। कपालभाति चलता रहे लगातार, आंख खुलना नहीं चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आंख खुलते ही जितना देर आपने ध्यान लगाया वो टूट जाता है और जब पुनः प्रारंभ करते हैं तो फिर जीरो से प्रारंभ करते हैं। इसलिए लय के साथ करना, एक लयबद्धता के साथ। चने को, ताजे चने को कभी मिट्टी में डालते हैं, पानी डालते हैं तो वो जम जाता है और वही चना को जब हम आग पे कढ़ाही में भून देते हैं देखने में वो चना ही जैसा रहता है, लेकिन जब उसे अब खेतों में डालते हैं, पानी डालते हैं, उर्वरक डालते हैं तो उसमें जमने की प्रक्रिया खत्म हो जाता है। तो देखने में चना चना जैसा है लेकिन जमने की प्रक्रिया, जमने की ताकत खत्म हो गई। उसे कहते हैं निर्बीज, बीज रहते हुए भी अंकुरण की क्षमता खत्म।